अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के 6 बज रहे हैं और शादी में जाने के लिए पंगा हो गया। ये जो है ये सरकार अपनी जैकेट भूल गए थे घर पे, अब ये जैकेट वापस लेकर के आए। हमारे सारा दोस्त को जितना भी ग्रुप था वो सब आगे निकल गया, पूरा पहुंच गया और हम यहाँ पे। और ठंड भयंकर हो रही है, ये देखो भाग भाग के जिंदगी बिताई जा रही है। भाग के जल्दी से पहुँचते हैं। सिनेमेटिक शॉट का क्या सीन है भाई, मतलब बस में बैठने के बाद लेंगे। बाय। तो मिडवे में उतर गए हैं हम, पैदल नहीं आए वहां से, हमने बस का वीडियो आई होगा। तो अभी ये दूसरी बस करनी पड़ेगी गांव के लिए, ये मिडवे है और यहाँ पर हम थोड़ा सा गलत काम करने आए करते हैं बाद। अभी बस में बैठेंगे, जाएंगे अभी कोई चाय वाय पी लें यार, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए क्योंकि इतनी घटिया रोड थी। गूगल देख ले, गांव तरक्की कर रहा है, गूगल गांव को भी नहीं छोड़ा भाई। गूगल भाई ऐड हो रहे हर जगह, जो भी हाथ से लिखे हुए ऐड हो रहे हैं गूगल। यार एक बात है यार, नो इंग्लिश नो प्रॉब्लम, अब इंग्लिश नो प्रॉब्लम, गूगल गूगल लेगा सपोर्ट। और हम लक्की के गांव पहुंच गए हैं जिसका नाम है बाडलवास। और बिल्कुल ये देखो पूरे मज़े के साथ पहुंच चुके हैं, काफ़ी देर की ट्रैवलिंग के बाद। Hey boys, finally we are at Badalwas गांव। ये लकी का बहुत ही मस्त सा प्यारा सा गांव है, यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब हम इसका एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या क्या नई नई चीज़ें होती है गांव में, आपको गांव से रूबरू कराएंगे थोड़ा सा। तो लेट्स गेट इट। ओके ओके। हमें यहाँ के रॉबी लोग
अभी भैया को दूसरे प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा। पीले चावल तो कल ही हो गए थे, हम थोड़ा सा लेट पहुंचे थे यहाँ पे, पीले चावल तो कल ही हो गए थे। एक दिन लेट की वजह ये है। अच्छा, ये सर बिजी थे तो हम आ नहीं पाए, तो इसकी वजह से मेरा एक दिन रह गया। पीले चावल जो मेन गणेश जी को जो पूछता है वो इस बंदे की वजह से रह गया। माफ नहीं करेगी जनता भाई। माफ किया चल मैनेजर को, कोई दिक्कत नहीं, जनता माफ नहीं करेगी। अरे मैंने किया ना तेरे को माफ यार, क्या दिक्कत है। मैंने कोई गलती नहीं करी यार। तो बान का प्रोग्राम एकदम मस्त हो गया, उसके अच्छे अच्छे फोटोज भी लिए थे और वो बनाए, वीडियो बनाए, तो वो देख लिया होगा आपने। देखिए सबसे बड़ी ठग लाइफ जो होती है जीजा लोगों की होती है। तो जीजा जी काउ बॉय बन के आ रहे हैं। ये है, कैसे लग रही है शादी? लंच हो गया? बड़ी मुश्किल से। तो आप नाराज क्यों होने वाले हो? आप शादियों में से बड़ी मुश्किल से लंच मिलता है, और जब साले ही कैमरे में लग जाए तो खाना कौन खिलाएगा? तो खाना मिल गया ना फाइनली मिला एट द एंड, बट कैसा लगा खाना? खाना ठीक ठाक था अभी तो। अभी तक तो पहला दिन है, हलवाई को समझ नहीं आ रहा कि कैसे बनाया जाए। तो हलवाई को आपको बताना चाहिए था कि भाई ऐसे बना, मिर्ची विर्ची से एक थोड़ी टोक आया उसे, अचार वचार तो लगा। वो बोल रहा था मेरे को, जीजा जी आ गए क्या? हम आए खाना तो बढ़िया। तो आपके साले साहब की शादी है, कोई विशेष बात? कोई आगे के प्रोग्राम आपके क्या क्या होने वाले हैं कुछ? वैसे राजस्थानी शादियाँ हैं, फंक्शन बहुत लंबे चलते हैं, काफ़ी कुछ फंक्शंस में होते हैं। सबसे प्यारी चीज़ जो राजपूती राजस्थानी शादी में होती है वो क्या है? सभी चीज़ें, सभी फंक्शन, सभी सेरेमनीज बहुत अच्छी होती है, लेकिन काफ़ी सेरेमनीज है जो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से। जैसे ये अपने क्या बोलते हो, तोरण वाला सीन, और भी काफ़ी कुछ है। तो पैरों में भी काफ़ी कुछ दूसरे कास्ट से राजपूतों की अलग है, और राजपूतों में भी हर राजस्थान में भी हर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके से शादी होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक यहाँ पे, वो एक कहावत है ना, पग पग पे बदले वाणी, कोस कोस पे बदले पानी, पानी का टेस्ट चेंज होता है, वैसे ही सेरेमनीज रूल्स हैं, रीति रिवाज है, वो भी चेंज हो जाते हैं। सही बात है। तो आप नाराज कब हो रहे हो ये बताओ? मैं नाराज भी मेरे को दूल्हे के साथ नहीं बैठा है। सुनती रही है, अभी रिकंस्ट्रक्ट हुआ है इसका, दूर से दिखाता हूँ मंदिर को। गांव वालों ने सब ने पैसे दे दे के जोड़ जमा करके एकदम ज़बरदस्त मंदिर बनाया है। एक्चुअली भैरव जी भगवान का मंदिर है यहाँ से। जब भी किसी की भी शादी होती है तो जो बनोरी निकलती है तो इसी मंदिर के अंदर वो क्या बोलते हैं, चावल वगैरह जो रिवाज होता है वो किसी मंदिर में होता है, चावल वगैरह खाने का। तो बहुत ही फेमस मंदिर है हमारे लिए। एक मिनट, मतलब एक मिनट में ऐसी कौन सी पंचर थी तो जीजा जी? दो पंचर थी। तो दो पंचर एक सेकंड में कैसे निकाला, मेरे को ये एक्सप्लेन करो थोड़ा। उसने पहले हवा डाली। अच्छा, निकाला नहीं टायर को बाहर। अच्छा, हवा डाली और उस पे पानी डाला, कील लगी हुई थी, दिखी उसे कील, और कील निकाली, कील निकाली तो उसके, और फिर उसके कील निकाली उसके जगह क्या लगा? एक मिनट, ये इसमें डाला ब्लॉग में। फेसबुक पेज देखना। जेलेब के ऊपर जो आपने इतना प्यार दिखाया, इतना सपोर्ट दिखाया है, उसकी मतलब तारीफ क्या ही करें। मतलब
एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा जो व्यूज है, गलत बात है ये, एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा व्यूज मिले उसको, और वो हमारे लिए काफी एक सक्सेसफुल वाली बात है। लगता है सक्सेस हुए, मोटिवेशन हुए, इंस्पायर हुए, और तगड़ा आपको कंटेंट मिलता रहेगा, और आगे ऐसे ही आप अपना प्यार दिखाते रहिए, लाइक का बटन दबाते रहिए, सब्सक्राइब का बटन फोड़ दो, सब्सक्राइब को तो फोड़ दो एकदम। अब मन सब बताओ, ब्याह में सबने क्या क्या लाग रहे? रात में कौन 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 सा गाना पर डांस कर रही? अरे गानो बताओ गानो। Yeah.